भी लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में आशंका यही जाहिर की जा रही है कि अभी और बढ़ेगा। ऐसे में अब एक सुझाव भी मिल रहा है कि जो छूटें दी गई हैं वो छूटें ना दे करके उसमें कुछ ऐसे प्रयास की जाए कि कम हो वो छूट, या उनमें कुछ संशोधन किया जाए, नया कार्य प्रणाली बनाया जाए, क्या लगता है? मेरी सोच में सबसे चिंताजनक जो छूट है वो सबको सीधे होम क्वारंटीन की जो व्यवस्था है इस पर विचार होना चाहिए, पुनर्विचार होना चाहिए। क्वारंटीन, होम क्वारंटीन लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। सबका मन होता है कि हम घर चले जाएं, लेकिन घर में जब तक अलग से रहने की कोई व्यवस्था ना हो तब तक इसको होम क्वारंटीन को थोड़ा सा विचार करना चाहिए, एक बार इसमें विचार करना चाहिए। गाइडलाइंस आए हैं उसमें तीनों ऑप्शन है, पब्लिक क्वारंटीन, पेड क्वारंटीन और होम क्वारंटीन। तो होम क्वारंटीन लास्ट ऑप्शन होना चाहिए जब दूसरी व्यवस्था ना हो, या घर में ऐसी व्यवस्था हो जिसमें आप वाकई में अलग से रह सकें। वरना होम क्वारंटीन में जाके अगर कोई भी केस पॉजिटिव आते हैं तो पूरा एरिया कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर हो जाता है। इसलिए पब्लिक फैसिलिटी में पहले जाना या पेड फैसिलिटी में पहले जाना, बाकी लोग जो रह रहे हैं रायपुर में या छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं उनके दृष्टिगत भी ज़्यादा न्यायोचित है। नहीं तो जो बाहर से आ रहे हैं दुर्भाग्य से संक्रमण उनके साथ आ रहा है और उनके चलते बाकी व्यवस्था भी प्रभावित हो जा रही है अगर हम सीधे होम क्वारंटीन में चले गए तो। बाकी तो ठीक है, हमको साथ साथ रहना है, लेकिन जब तक विकल्प है तब तक होम क्वारंटीन आखिरी विकल्प होना चाहिए, बाकी ठीक है। अभी कल ही मैं देख रहा था सीएम साहब का एक ट्वीट आया था, उसमें वो कह रहे थे उन्होंने पब्लिक क्वारंटीन